अरे रुक जाओ यार, इतनी इतने इतने कमेंट नहीं करते इतनी जल्दी। तनिक रुको, कुछ सरप्राइज है। तनिक रुक तो जाओ यार, ऐवे चूतिया पा लगा रखा है तुम लोगों ने भी। हद होती है, इतनी इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा वेट होता है। वेट एंड वॉच, यू नो, रुको और देखो, थमो और देखो, इंतजार करो और देखो, देखो यही होता है ना बस। अरे रुको तो सही, तुम्हें कुछ दिखा रहे ना मसाला, अभी थोड़ी देर में मसाला देखो ना। दोबारा लाइव अगर हम आए हैं तो किसी के कहने पे आए हैं ना लाइव है? ये तो हमारा तो सोने का टाइम था। हेलो, हेलो माय स्वीटी, हाउ आर यू बेबा? आई एम फाइन. ओवर यू. अरे यो ये आवाज कम ऑन मैन, कम ऑन मैन। आ 1 2 3, वन टू थ्री, रही वन टू थ्री, ए बी सी डी ई एफ जी एच, है? क्या ही बोलू मैं तो टाइम देख ले तो तेरी है ना क्या तू. ही बोलू मैं तो, माय जान, माय स्वीटी, क्या ही बोलू मैं तो। यू माय फैब, यू नो, माय, यू माय जान, यू नो। टेल मी अबाउट माय मी अबाउट मी टेल मी। सेम टू यू. ओह माय गॉड, सो स्वीटी, सो स्वीटी, माय चले आईडी जान, प्राइवेट हाउ करके आई आर हूँ मैं. यू? आईडी प्राइवेट करके आई हूँ पता. ओ माय जाना, थैंक यू सो स्वीटी डार्लिंग, सो स्वीटी। अभी आई हूँ मैं, और पता है आधे घंटा पहले घर. हाँ, सो स्वीटी डार्लिंग, सो स्वीटी। और बता कैसी रही सुन तेरी आज सुन, पार्टी? आसपास पार्टी बढ़िया रही यार. पता है कितने थे ये? 6 बच्चे थे मेरे साथ में. हो गया, अरे वो मेरी उसकी नीज की फ्रेंड्स थी ना. नीचे मैसेज कर, इंग्लिश मत बोल। ओ भाई हाँ, सुना, एक ने पता क्या बोला अभी, एक रुक जाओ, मेरे को बड़ा फनी कमेंट लगा था, पर तूने कहा ना कमेंट मत पढ़, रुक मैं बताती. उसने कहा इंग्लिश का जी मत फोड़ो, जी ना फोड़ो. सुना, जब तक आप गलत सलत इंग्लिश नहीं हेलो बोलोगे राजदीप. तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। हाँ जैसे भी बिकॉज आए आई एम हिंदी बोलो. मीडियम स्टूडी, हाँ तो जैसे भी आए बोलो बाबा, किसने मना किया? बस कोई पेट से जैसे थोड़ी ना आता सीख है के आता है, वैसे बात करो आप, कोई पेट से थोड़ी ना सीख के आता है. नथिंग बस। मच राज जी, मैं बस अभी घर आई हूँ आधा घंटा पहले. किदा लाइफ इज, हाँ किदा, हाँ लाइफ नहीं, इज ए बी बिच. ए, सुनो इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एस तक रुक जाती है शेरनी, उसके बाद बोलती क्या ही बोलू, क्या ही बोलू मैं अब दोनों को, क्या ही बोलू नेवर मैं। हाँ नेवर. आ जा, हाँ, रहने की मर्जी कुछ भी बोले तुम्हें क्या. सही बात है, सही, बिल्कुल सही कहा आपने. क्या ही बोलू, आई एम मेरा बोर्ड बर्थडे नहीं बकवास है आंशी, बॉस। मेरा बर्थडे तो 7 जून को होता है, चला गया. बट थैंक यू. हाँ अच्छा बिल्कुल, इनको राज लग रहा कह है रही मेरा है, शाह फनी बर्थडे. लेडी, राज कह रही है यू आर वेरी, यस आई एम वेरी फनी बिकॉज आई एम हिंदी मीडियम और इंग्लिश बोलना नहीं आता है, पर फिर भी मैं बोलती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, क्या क्या आता है थैंक हिंदी मुझे है। उसके बाद यू. बोलती अच्छा क्या ही बोलू मैं तो भाई, क्या लेकिन ही बोलू मैं तो। दोस्तों ये जो बोलती है ना क्या ही बोलूं मैं, तो ये मेरे मजे लेती है. आपको मैं बता दूं इनडायरेक्टली, ठीक है? क्योंकि इसको मैं बोलती हूँ ना, अपने तुझे क्या ही बोलूं यार, तू खुद सोच ले मैं क्या ही बोलूं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओ हाँ सॉरी, आई जे पे अरे पहुंच गई, पता नहीं जीता की रुकना है गाइस, है कल बिकॉज ना. आई एम यू नो हिंदी मीडियम, आई एम यू नो अच्छा हिंदी मीडियम, तो मैंने ए बी सी डी जो सीखा है ना सुन वो भी बड़ी मुश्किल से सीखा गाइस, क्या ही बोलू आपको। मेरे मास्टर जी को ही नहीं आता था कि जी के बाद क्या पढ़ाना है बच्चों को, अब बताओ क्या ही बोलू मैं तो आप लोगों को, यू नो डैट। जब मैं स्कूल में थी ना, मैं अपने बर्थडे ना 5 बार मनाती थी ओ माय गॉड, साल में, हर दो सीरियसली? महीने. हाँ हर 2 महीने बाद अपना बर्थडे मनाती थी मैं. अच्छे अच्छे कमेंट करो भाई, ऊपर नहीं देखा किसी का बर्थडे है आज. अच्छे अच्छे कमेंट्स करो नीचे, फालतू के कमेंट करोगे तो मैं ब्लॉक कर भाई दूंगा जाने, तुम्हें. चलो हम चलते हैं वो के सेवा बर्थडे नहीं बॉय, दे. बर्थडे बॉय, डंडे बर्थडे डंडा लगा बॉय, वो दिया, दारू ले ले. सुन ले गाना, सुन ले एक जबरदस्त भाई बार सेन, जबरदस्त गाना, सेन सुन ने ले दिल खुश कर दिया. सेनी ने भी गाना चलवाया, देखो भाई. ओके विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रणोदी जबरदस्त जी. यस, शेरनी मैं चाहता हूँ कल सुबह मैं तुम्हें केक काट. चलो भाई गाना तो हो गया, वेलकम इसका, हैप्पी बर्थडे पागल, ओए पागल, हैप्पी बर्थडे, जियो हजारों साल और भोलेनाथ तुझे थोड़ी सद्बुद्धि दे और बोलने में कंट्रोल कराए, और जियो हजारों साल, ठीक है, और तेरा नाम मैंने पागल रखा है, तू अच्छी तरह जानता है, ठीक है, और चल तू
तू आज क्या याद करेगा, शेरनी ने तुझे हैप्पी बर्थडे वाला लाइव चला गया। और बता मेरी जान। थैंक यू शेरनी, थैंक यू सो मच शेरू। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बनोड़ी जी। और मेरे दोस्त भी बर्थडे विश कर रही है, उसको ले ले। क्या हुआ? मैं कह रही मैंने तो बर्थडे विश कर दिया, लेने लेंगे। दोबारा बोलो, उसने सुना नहीं। दोबारा नहीं, तीसरी बार। अच्छा गलत बात है पनोड़ी, तूने तीन बार तक भी मेरे दोस्त का बर्थडे बोल दो। आप कितने साल के हो गए, मैं उतनी बार विश कर देती हूँ। हाँ भाई, क्या बोल रही हो सिमी जी? आप सिमी तुझे बर्थडे विश कर रही है, उसको थैंक्स बोल पागल। अरे थैंक यू सो मच सिमी जी यार, थैंक यू सो मच। क्योंकि यार यहाँ पे ये नया लड़का काम पे आया है, तो उसको बहुत सारी चीजें। ठीक है, अभी आप सुन रहे हैं तो मैं अभी आपको बर्थडे विश करती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू स्टे ब्लेस्ड एज ऑलवेज। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। और देखो ये तो है अंग्रेज की औलाद, अरे भाई धन्यवाद सिमी जी आपका। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हम बोलते हैं हिंदी में, सुना ओए पनोड़ी, हम बोलते हैं हिंदी में तुझे विश करते, ओए पागल तेरे को जन्मदिन मुबारक हो। तू जी भाई धन्यवाद शेरनी जी। मैंने तो कहा मैं 80 साल तक जीऊंगी, तू भगवान करे तो 100 साल तक जिए, 100 साल तक जिए तू। और बता तो 100 साल तक जिए। 7224 चल, मतलब मैं कहती हूं मेन्यू मेन्यू दे दे भाई। थैंक यू सो मच। चाहे हमारे कितने बड़े दुश्मन हो, कुछ भी हो, किसी ने घर में आके घुस के मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम यहाँ बकचोदी करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हो, मैं भी देती हूँ, सामने वाले भी देते हैं, कुछ भी होता है, बट जो एक मूवमेंट होता है ना, अच्छा मूवमेंट, वहाँ एंजॉय करो। बर्थडे और फेस्टिवल्स होते हैं इसीलिए कि आप एक दूसरे को, तो वहाँ वो सारी चीजें भूल के आप एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई वो सामने वाला भी इंसान है, हम भी इंसान है। मैं चाहती हूँ मेरा भी बर्थडे जब आए तब भी सारे दुश्मन अपनी दुश्मनी भुला के मुझे एक विश करो बस। और मैंने तो बर्थडे नहीं, मैंने तो ये बोला जब मैं मरूँ ना एक स्टोरी जरूर लगा देना प्लीज। दुश्मनी भुला के ना एक स्टोरी जरूर लगाना सब लोग। और पनौड़ी पगले क्या किया आज बर्थडे वाले दिन, पहले ही बता पगले तुमने। अरे यार कब से स्टोर पे ही फंसा हूँ यार, ये बिजनेस ये सारी चीज। यो ऑलराइट, तो आज तो तेरे पास तेरे फॉरेन जॉर्जिया से कुछ लोग आए हुए हैं। जॉर्जिया मैं ऑलरेडी गई हूँ, मेरी सिस्टर 2 साल रही है जॉर्जिया, तो मैं जॉर्जिया गई हूँ, बहुत छोटा सा पार्ट है जॉर्जिया, ठीक है, मैं वहाँ गई हूँ 15-20 दिन के लिए गई हूँ जॉर्जिया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पहाड़ी इलाका है वो, बहुत ठंडा इलाका है और वो हमेशा बर्फ पड़ती है, हमेशा ठंडा एरिया रहता है वो जॉर्जिया, जॉर्जिया जगह। तो भाई देखो आप किसी की डिमांड थी कि मैं अपनी लाइफ चला के पनोड़ी को विश करूं, तो देखो हम किसी की डिमांड को इग्नोर नहीं करते, कर दिया हमने। अब बताओ हम ऐसे ही हैं, कल को दोस्त का भी बर्थडे आएगा ना, अगर वो उसका बात होगा। देख मैंने कभी किसी से परमानेंट दुश्मनी नहीं रखी है यहाँ पे, मैंने भी उनको बर्थडे विश किया था, मैंने भी किया नहीं। हाँ मैं तुम सब दुश्मनी रखते हो, मैं दिल से दुश्मनी नहीं रखती, मेरा मुंह जरूर गंदा होगा 2 मिनट के लिए, बाद में मैं रियलाइज करके बात नहीं करती हूँ, पर तुम लंबा खींचते हो, तुम मेरे घर में गुंडे भेजते हो, तुम मेरे बेटे को मरवाने की बात करते हो, तुम मुझे मरवाने की बात करते हो, मैंने आज तक किसी को इंस्टाग्राम में मरवाने की बात नहीं की। सुन सुन ना, नीचे एक ब्लू टिक आईडी है, आई एम सुमसा सुपारी। अच्छा सुमसा सुपारी आए हुए हैं, ले ले ले, सुमसा जी वेट 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 डियर वेट डार्लिंग, यू आर माय ओल्ड बॉयफ्रेंड यू नो। कुछ भी पहले शेरनी से बात कर ले, मैं वॉशरूम ये जगह से पूरी दुनिया के मैं चाहता हूँ कल तुम पनोड़ी भाई की केक काट और बर्थडे मना। अच्छा है, है। ये कौन है तेरे बाजू में, कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रही है। मेरी जान है, मेरी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं वही हूँ जिसकी आईडी उड़ाने के लिए आप बोल रहे थे लाइफ पे। अरे सिन्नी सिन्नी कर रहे थे तो मैंने बोला कि चिन्नी की आईडी तुम बोलते हो तो उड़ा देते हो। एक मिनट में पहचान गया बंदा मेरे को, अब ऐसे पहचानते लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। सुन हमारे तो पैसे से मतलब होता है। तो जैनी से एक बात बता, तुझे पैसे लोगों ने दिया नहीं शेरनी उड़ाने के लिए अब तक? शेरनी की आईडी उड़ाने के लिए पैसे नहीं दिए तुझे? अब शेरनी जब टाइम पास नहीं होता है तब तू आ जाती है, तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाती है, 2-4 बंदे को तू गाली दे देती है, तो तेरे पास आईफोन का मेरी आईडी नहीं उड़ा रहा। वो कह रहे हैं वो कहीं बैठे हैं, अभी नहीं आ सकते। सॉरी सॉरी सुमसा, यहाँ मैसेज कर, तू मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, मैसेज कर नीचे, सबको पता लग। अरे शेरनी कितना है तूने,
अब तो मैं कल से एक नोट लेके बैठूंगा, हर रोज नया नया लाती है तू। जैनिस वो अपना बॉक्स कहाँ गया वो सैमसंग का? वो आपके आपके पास ही तो एक बात कर रहे हो तू। तो सर शेरनी वो कहाँ गया तेरा बॉयफ्रेंड है वो गैंगस्टर, उसका नाम क्या? वो बिट्टू? नहीं बिट्टू, बिट्टू जस्ट मेरा एक खिलौना था, उसे यूज किया और फेंक दिया, टिश्यू पेपर, यू नो लाइक टिश्यू पेपर। ओके तो वो बात सही है। मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार वो गाली दे दे मदरफकर। तो भाई बिट्टू जस्ट एक टिश्यू पेपर, उसको शेर ने यूज किया एंड जस्ट फेंका है। बेशक उसने मेरा 50,000 रुपए यूज किए, उसने मेरा 50,000, बट हमने उसका यूज भी बहुत तगड़ा किया है, ठीक है? जस्ट खिलौना, टॉय, टॉय, यू नो, जस्ट टॉय। हाँ वो बात तो सही है। बुरा मत मानना, आप सब यहाँ जितने भी बैठे हुए हो, 1,00,000 नहीं 1,00,000 लोग जो यहाँ बैठे, 5,00,000 पागल, 5,00,000 बोलते हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ 5 का 5,00,000 बोलना, 1,00,000 हाँ, 5,00,000 जो लोग बैठे हुए हो ना मेरे आईडी पे यहाँ नीचे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे जो पागल दोस्त है ना पनोड़ी, उसने मेरे को एक बार भी बर्थडे विश नहीं किया। और देखो ये है शेरनी का दिल, बर्थडे विश कर रही है वो लाइव चलाकर, ये है शेरनी का दिल। और उसको मैंने बोला पागल, हैप्पी बर्थडे पागल, ये होता है दोस्तों का वो बोलने का। उसने कितना ही मेरे बारे में कुछ बोला, जब इंसान एक बार डीएम में आके रियलाइज, मैं एक, पता है क्या होता है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है? हमने भगवान को नहीं देखा आज तक, भगवान को किसी ने नहीं देखा, इंसानों से। जब इंसान अपनी गलती माने कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है, तो आप उस गलती को भुला दो, खत्म कर दो, ठीक है, माफ कर दो। ये शेरनी का दिल है, ये शेरनी का दिल है। और दो बार, तीन बार, चाहे कितनी बार लोगों ने, एक बार नहीं, 3-4 बार मेरे साथ धोखा किया, मैं फिर भी उनको माफ कर देती हूँ, चाहे वो राहुल शर्मा हो, चाहे वो पनोड़ी हो, कोई भी हो, मैं सबको माफ कर देती हूँ, ये कहकर कि छोड़ो यार, इन्होंने जो बोला छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल है। फिर भी शेरनी गलत है, सिमी जिसे कहते ना जो दिल के कोने में होते हैं हार्ट। अच्छा आज मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, मलाइका को आने दे, फिर मैं एक चीज खुलासा करूंगी। आइडिया ना मलाइका तो ऐड ही नहीं हुई, क्या बात हो यार, इनको एक बार ऐड करना, मेरे को इनसे कुछ पूछना है, पर मैं चाहती नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। नहीं नहीं एक मिनट, मलाइका तो ऐड क्यों नहीं हुई? सुन उस दिन तूने एक चीज पूछी थी ना, मतलब वो बता रहे थे मेरे को, ये क्या मलाइका क्यों नहीं ऐड हुई यार, छोड़ो मलाइका नीचे ना, आई विल नॉट गेट एडेड, व्हाई यू डोंट वांट टू बी। हां मलाइका, मलाइका नीचे, मलाइका नीचे तो है, अरे मुझे पनोड़ी को विश करना था, मैं भी लाइव नहीं आ पाई थी कल। सुन मेरी बात, मेरे दिल में ना इतनी नहीं नफरत रहती किसी के लिए, मेरे दिल में 1-2 महीना नफरत रहती, उसके बाद मैं इतनी नफरत नहीं पाल सकती किसी के लिए, चाहे वो मेरे लिए कितना ही गंदा बोले, मेरे बच्चे के लिए कितना गंदा, मैं नहीं पाल सकती। और ये प्रूफ है आज के टाइम में, एक गाना तो गाने पनोड़ी ने मेरा बर्थडे विश नहीं किया, पर मैं उसकी लाइफ चला के बर्थडे विश कर रही हूँ, ये मेरा दिल है। अरे गाना कौन सा याद है, वो तो सुन लेने दे। आवाज आवाज तेज करो, नेपालन आवाज तेज कर। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। देख नीचे नीचे हार्ट भी आ रहे हैं कितने सारे। आई मॉम, जो माँ होती है ना, जो माँ का दिल होता है। अब सुनो, तुम मेरे बहुत क्लोज हो, पनोड़ी को गुस्सा आएगा, स्नेह जी को क्लोज बोल दिया तो, और स्नेह जी को गुस्सा आते पनोड़ी यहाँ पे बैठे यार, मैं यार फ्लैट पे भी जाती तो मैं लिखती हूँ, भाग जाती। नहीं नहीं मैं पनोड़ी को दोबारा ले रही हूँ, बनी रही हो, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं स्नेह जी को पूरी बात सुनने दे, उसके बाद मैं स्नेह जी को नीचे करने पनोड़ी को लूंगी। स्नेह जी आप सुन मेरी बात, अनमोल तू भी सुन, और क्या नाम है, अरे यार एक तो तेरी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोल। मेरी पनोड़ी जाना नहीं, मैं बड्डे का गाना गाऊंगी। अच्छा हाँ ठीक है, अब सुन मेरी बात,
अब तुम तीनों बैठे हो ना नीचे, मैं एक बात बोलूंगी ठीक है। जो मेरी दोस्त थी ना किसी जमाने में, देसी क्वीन, ठीक है, ध्यान से सुनना यहाँ सब लोग। जो देसी क्वीन मेरी दोस्त थी, देखो गाइस, सपने मैं उसके साथ लड़ाई करी, सपने भड़काया मुझे सपने। सिमी इस मैटर में नहीं आई कभी भी, उसने हम दोनों के बीच में कुछ नहीं बोला, ना उसने गंदा बोला ना अच्छा बोला, ठीक है। और अनमोल ने भी कभी कुछ ऐसा नहीं बोला। अनमोल को जो मैं बोली कि नहीं तू नहीं बोलेगी यहाँ पे कुछ, उसके लिए लाइव नहीं चलाई तू, उसको कुछ वो भी नहीं बोली कुछ भी, ठीक है। अब सुन, ये भरी 5 लाख लाइव में मैं बोलती हूँ देसी क्वीन के लिए, लव यू, तू कर लो, तू मेरी दोस्त थी, है, रहेगी पूरी जिंदगी। और सेंटी हो गई है या सेंटी? तू है मेरी दोस्त और रहेगी पूरी जिंदगी, बहन की लोड़ी, तू मेरी दोस्त थी और रहेगी। कैंसेरियन सेंटी हो गई। नहीं नहीं, ये तो सुना, जब बहुत अटैचमेंट होता ना दोस्तों, कल को अगर मलाइका ने भी कुछ मेरे साथ गलत किया ना, मैं इसके लिए भी लाइव चलाऊंगी और ऐसे ही बोलूंगी, क्योंकि जब दिल कनेक्ट होता है ना तो वहाँ नहीं ये लड़ाई झगड़े। आप गुस्से में उसको 10 गाली दे दोगे, वो भी लाइव चला के 10 गाली दे देगी, बट अंदर से ना आपको गिल्ट फील होता है कि हम क्यों दे रहे हैं अपने दोस्तों को गाली, समझ लो बात को। लोग पोक करते, हम गुस्से में बोल देते हैं, पर देसी कुन से सिमी तू नहीं जुड़ी थी, या कोई लोग नहीं जुड़े थे, कोई नहीं, तब से वो मेरे साथ थी 2.5 साल से, हमारे साथ थी तब से वो जुड़ी हुई थी। अरे सुनने तो दे इनकी भी, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ वैसे मैंने देखा है कि वो बंदी इनके साथ ना हमेशा रही है हर कॉन्ट्रोवर्सी में, है ना। तो इसीलिए जैसे अभी अनमोल है मेरे साथ, अनमोल को मैंने क्या बोला, अभी मेरी फिलहाल मेरी अकेले की लड़ाई है, सिमी को आउट कर दिया, अनमोल को भी आउट कर दिया, मैंने बोला तुम दोनों मेरी लाइफ पे नहीं आओगे, मेरा टारगेट सिर्फ नोट से आज के टाइम में, और उसको मैं लाइफ पे लेके आऊंगी, लाइफ पे आना पड़ेगा मेरे साथ, फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। और रही बात भाई, अब ये लाइव ना स्क्रीनशॉट भेज देना, बहुत उसमें नहीं कर रहे थे ना, तो आपस में अब बोल देना उसको, वो मेरी कल्लो थी है रहेगी पूरी जिंदगी, वो मुझसे बात करे ना करे, और बताओ कमेंट बंद कर। चलो आप सुना, क्या नाम है स्नेह जी, मेरा बच्चा। अरे मुझे इनको कुछ बोलना है। अरे स्नेह जी को बोलते फिर पीछे कर दूंगी इसको। नहीं मुझे सच में बड़ी प्रिटी लगती है यार, मैंने चलो भाई बात कर लो थोड़ा आपस में पहले, प्यार भरी। अरे पनोड़ी को मिस करना था। थैंक यू। अरे स्नेह जी जाएगी तभी तो पनोड़ी आएगा। यू आर वेलकम। क्यों वो नहीं आता इसके सामने? मैं बहन से बीच में पिस्ता मैं जाती हूं स्नेह जी के साथ, मेरी दोस्ती ये चली गई, वो बिना देख ऐसे चली जाती है वो। भौजी आज के दिन तो बर्थडे विश कर लो भैया को। नहीं कर दिया, कर दिया उसने, कर दिया, कर दिया उसने बर्थडे विश कर दिया। कमेंट कर दे बेरी माँ। नहीं वो नहीं है। हाँ पनोड़ी है नीचे, पनोनी। हाँ पनोनी नीचे, ऊपर आ जाओ पनोनी। पनोनी मैं ले रही हूँ उसको, रुक पनोनी को ले रही हूँ। पनोनी पनोनी आजा जरा एक बार, अनमोल को तुझे बर्थडे विश करना है। हैप्पी बर्थडे टू यू पनोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू पनोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू पागल, हैप्पी बर्थडे टू यू पागल, पागल गाए बार बार दिन ये आए, बार बार ये दिन यो हजारों साल ये अरे अनमोल ये भी मेरे साथ है देख। अरे मोटे क्या कर रहा है घर? अरे पनोड़ी भाई के पास आया हूँ ना मैं। जैनिस अगर तूने इसको सुना, पनोड़ी इसकी तरफ कैमरा कर, जैनिस अगर तूने एक बार भी इसको बहन बोला है ना, अब दोबारा इसको गंद मत बोला और अनब्लॉक करके इससे बात कर। आई बात समझ? अरे वो तो हो गई मेरी उसकी बात, परसों 2 दिन पहले हो गई मेरी और उसकी बात। तूने अभी मुझे फोन में क्या बोला कि हम कितने लड़े झगड़े, पर कोई दिन अच्छा आता है तो एक दूसरे से मिलो, तो मैं इसने तुझे फर्स्ट टाइम भाई बोला, पर तू इसकी इतनी इज्जत उछालेगा? उसने मेरी उछाली, मैंने तो बोला भी नहीं था, उसने मेरी उछाली। अरे छोड़ ना पनोड़ी का बर्थडे, क्या उछाला और उछाली, तू भी उछाल। तो अनमोल तू केक कहाँ लाई थी वो तो दिखा। अरे बाबा पहले तो जानिस, आज एकादशी था बॉम्बे में, एकादशी पहले जानिस तू ये बोल, अनमोल मेरी बहन लव यू, ऐसे बोल। ओके अनमोल मेरी बहन लव यू, बस और बताओ। अनमोल लव यू टू भाई, बोल लव यू टू। ओके ओके भाई, अब हम लोग निकले पनोड़ी भाई की बर्थडे मनाने के लिए, अब निकले। अच्छा गुड। बर्थडे बॉय पागल,
कल गोल्डी भाई और हम सब लोग मिलेंगे। ढंग के कपड़े तो पहन लेता, पगले पगले ढंग का कपड़े तो पहन लेता। तेरी गर्लफ्रेंड नीचे बैठी है, हमारी भाभी नीचे बैठी है, ढंग के कपड़े तो पहन लेता। अरे अभी उसका शर्ट पहनूंगा, अभी दिखा उसका शर्ट, ये लेके आया है भाई उसका शर्ट, शर्ट दिखा पीछे से। दिखाओ जो सिनेह जी ने, जो सिनेह जी ने गिफ्ट किया शर्ट दिखाओ। भाई जान है सिनेह जी अपनी भाई। अरे क्या ब्लैक सही है, ब्लैक फॉरएवर गुड लगे भाई। बार बार भाई बार बार किस कर रहा था पंगड़ी भाई, मैंने बोला ये सबको किस क्यों कर रहा है, बोलता है मेरी जान ने दिया है। तो भी क्या याद रखेगी सैनी के बच्चे के लिए। अगर पनोड़ी किसी के सामने रोता है ना तो वो सिर्फ शेर नहीं है। पनोड़ी झूठ मत बोलियो, आज के टाइम में बर्थडे तेरा। नहीं वहाँ पे सेवा नहीं लिया। हाँ झूठ मत बोलियो, अगर तू रोता है ना स्नेह जी को याद करके तो वो सिर्फ शेरनी के कॉल में रोता है, झूठ मत बोलियो। हाँ सच है ये, इसने जब भी स्नेह जी की याद आई उसने सिर्फ मुझे फोन किया है कि उससे मैंने दिल से प्यार किया, ये वो फलाना ढिगना, इसे मैंने हमेशा समझाया। एक न एक वक्त आता है, हाँ इसका प्यार मुझे दिखता है स्नेह जी। अब स्नेह जी भी नीचे बैठी होगी, मैं उसके भी मुंह पे बोलूंगी स्नेह जी ने शायद इससे इतना प्यार नहीं किया, जो इसने स्नेह जी से प्यार किया है बस। हेलो, ये है हकीकत बात, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। स्नेह जी भी, ये तो खैर नहीं इतना इंपॉर्टेंट, ये तो पागल है, ये तो कल को रेस्ट लेके फिर बहन चुदा देगा मेरी, फिर गाली देने लग जाएगा। ये बर्थडे उसको इतना इंपॉर्टेंट दे रही हूँ मैं, ये कल को फिर मेरी माँ चो देगा। अच्छा मैं आता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लियो, एक मिनट सामने आ जाओ सिमी, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। सामने आ जाओ, हां सिमी तो आ रही है, नहीं आ रही है? अरे मेरी लाइट ऑफ है बाबा। चल ठीक है, ओके चलो स्माइल। ये ऊपर क्यों देख रहे थे? अरे हम दोनों आ जाए ना कैमरे में, इसलिए यार। चल ठीक ले लिया मैंने। भाई ये बात सच है, आज मेरा बर्थडे है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं स्नेह जी के लिए बहुत रोया हूँ। सच बोल, उसे कब रोता है तू? सच बोल। अरे सची तो बोल रहा हूँ, सची भाई, सची तो बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं भाई बहुत रोया हूँ। उसको बहनचोद में पागलों की तरह प्यार करता था, वही मेरा सब कुछ थी वो। लेकिन चलो यार अब जो हुआ वो हो चुका। नहीं, सब कुछ थी नहीं, सब कुछ है अभी भी। और किसके साथ कॉल में रोता था, पूरी बात बोलना, ये थप्पड़ खाएगा बर्थडे वाले दिन, पूरी बात बोल। अरे यार वो तो गोल्डी भाई ने भी उस वो सबको बताया है कि भाई मैं गोल्डी भाई के सामने भी बहुत बार रोया हूँ उसके लिए। और मेरे मेरा नाम नहीं, तेरे, मैंने पहले तो बोला कि भाई तेरे सामने भी फोन पे रोया हूँ, मैंने कहा मना किया, जो सच है वो सच है। पनोड़ी, पनोड़ी मेरे सामने नहीं रोए? नहीं क्यों यार, इंस्टाग्राम पे शायद मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे शायद लोग मुझे इसीलिए प्यार करते हैं कि भाई मैं जो बात, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी लड़कियां नीचे बैठी है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है, उसको मैं झूठला नहीं सकता। हाँ, एक टाइम पे मैंने करता हाँ, है, मैंने एक टाइम पे, लोग कितना ही पीछे पड़ लो इसके, बस ये हकीकत। एक टाइम पे मैंने स्नेह जी को बहुत दिल से प्यार किया था, एंड आई क्राई फॉर हर टू मेनी टाइम्स। सैनी के सामने भी रोया हूँ, गोल्डी भाई के सामने भी रोया हूँ, शायद उसके खुद के सामने भी रोया हूँ मैं, उसको रियलाइज कराने कि भाई कितना प्यार करता हूँ उसे मैं, राइट। बट अब चलो यार, अब चीजें वो अपनी लाइफ में खुश है, यू नो, एंड मैं अपनी लाइफ में हूँ, जो भी है। एंड आज भी मेरे दिल में उसके लिए एक ही चीज है कि भाई वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। ठीक है, यही तो, यही असली प्यार होता है, ओए पागल, यही असली प्यार होता है। जब प्यार ना मिले तो उसको खुश रहने दो, उसको उसकी जिंदगी जीने दो, उसको बेइज्जत मत करो, उसको लाइफ पे टारगेट मत करो, उसको नंगा मत करो, यही प्यार होता है। अरे यार देख सुन, 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 सुन। वो एक मेरा गुस्सा सुन, वो एक मेरा गुस्सा था। हाँ जब तू उसे नंगा कर रहा था, मैंने क्या बोला, अगर तेरा असली प्यार होगा तो तू उसको नंगा नहीं करेगा। भाई स्नेह जी आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, इतने लोगों के सामने मैं तुझे सॉरी बोल रहा हूँ, सुना, सुन ले। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ एक बार ऐड कर ले, मेरा गुस्सा था वो स्नेह जी, जो भी था वो मेरा गुस्सा था। अरे उसको मत ऐड कर यार, वो 50 सवाल उसका छोड़, वो है ना भाई, वो चले, वो सिमी चली गई है, रुक मैं देख। अरे नहीं सिमी, मेरी जगह मैं ऊपर जा रही हूँ, घर के ऊपर जाके ऐडूंगी। अरे एक मिनट यार, वो चली गई, मैं स्नेह जी को देखती हूँ। भाई स्नेह जी वो जो भी था मेरा गुस्सा था, गुस्से में मेरे से सारी चीजें हो गई, ठीक है, लेकिन आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है। लाइव शेयर करो, सब लोग वो है नहीं अभी यहाँ पे, इसको ले लो, गोल्डी जी भी बैठे थे, गोल्डी जी को लो मेरी जगह। नहीं हम तीन ही है, हम तीन ही है, ठीक है, एक जगह खाली है, आई नो डेट, एक जगह खाली है, वो
ग्लोब आए इसलिए नीचे गई है वो, ठीक है? नहीं ग्लोब आए, आ जाओ, मैं ऊपर जाके वापस ऐड होती हूँ, आ जाओ। तो, नीचे बारिश हो रही है, ये मेरा बिल्डिंग के नीचे ही होना, आ जाओ सनी। अरे वो लाइव पे होगी या नहीं होगी, दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट यार छोड़ यार, आज तेरा बर्थडे है, कुछ शॉर्ट आउट होना जरूरी होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं शॉर्ट आउट की शेरनी कोई बात ही नहीं है, मैंने तूने बोला कि भाई आई रियली हर्ट हर, तो मैंने सॉरी बोल दिया ना इतने लोगों के सामने। हाँ बस तू उसको ना बेइज्जत मत कर, अगर तू वाकई में प्यार करता है तो उसको बेइज्जत मत कर, उसको बेइज्जत मत कर, यही प्यार होता है, यही प्यार होता है भाई। गोल्डी भाई ने भी मुझे बोला था, लेकिन यार मैं बोल तो रहा हूँ, मेरा गुस्सा था, वो जो भी हुआ वो मेरे से हो गया गुस्से में। उसको मुझे गिरा दो, ले लो उसको, बुला लो भाई, बुला लो इस मैजी को, हाँ उसको बुला लो, चल ठीक है, मैं ले लूँगा, मैचअप करा दो इनका यार, गुड चेन्नई का नैन मटक्का करवा दे। श्रेजी कॉल पे आजा, अगर तू मेरी बात 1% भी मानती है ना तो कॉल पे आजा, नहीं तो कल के बाद मुझे फोन मत करियो फिर, बस इतना बता रही मैं तुझे आज, ठीक है? उसके बाद फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि तू मेरे लाइव पे आ, ये सब बात नहीं, ये बकचोदी मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे फोन नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ कॉल पे आजा, मुझे पता तू फेक आईडी से देख रही है लाइव, और तू यहाँ है नहीं, अभी तू है नहीं यहाँ पे, लाइव पे आजा यहाँ मेरे, बस मैंने बता दिया, दिस इज लास्ट टाइम। भाई एक बात तो मैं ना भाई, बहुत जो भी है, एक पर्सनल जगह होते हैं, शी ऑलवेज बीन पर्सनल कॉल में हमारे कट रही है पटोड़ी, ओए पागल तेरी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी बार हमारे पर्सनल कॉल पे झगड़े हुए ना, पर्सनल कॉल पे हाँ, तो तुझे पता ही है कि सी ऑलवेज बीन, और वो जब बोलती है ना तो मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि उसका नेचर मुझे पता है। देखो अगर पनोड़ी किसी का पति बनेगा ना फ्यूचर में, तो मैं इतना गारंटी अपनी देती हूँ कि अपनी बीवी की बॉस सुनेगा, ये बॉस सुनने वाला बंदा है, मतलब स्नेह जी कॉल में इसको खा जाती है और ये चुपचाप सुनता रहता है, कहता है हाँ नहीं स्नेह जी नहीं आई लव यू, पर इसने एक दो बार गंदगी करी उसके नाम की लाइफ चला के, वही इसका दिल टूटा हुआ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई में प्यार करते हो किसी को, लाख लड़ाई हो जाए, तू ये चाहती थी कि मैं लाइफ पे आके, वो खुद वो चाहती थी कि मैं लाइफ पे आके सॉरी बोलूं, तो स्नेजी व्हाट एवर आई डिड ऑन लाइव आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने तुझे हर्ट किया, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तू मुझे माफ कर दे या जो भी है, लेकिन आई रियलाइज के मुझे वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, बट यार तू भी समझ सकती है मेरा गुस्सा था कि मैं तुझे कितना प्यार करता था, गोल्डी भाई के सामने मैं बहुत बार रोया हूँ, ठीक है? लाइक हम लोग मिलते थे मेरा मैं भी तो रोया हूँ तुम्हारे सामने एक दो बार। हाँ वो नाम नहीं बोलना है मुझे, वो जो बैठा उसको पता ही है सारी चीजें, तो हाँ एनीवेज गोल्डी भाई तुम इतने बड़े पहलवान हो गए, तुम कहाँ से रोने लग गए भाई? अरे मैं कह तो रहा हूँ मैं नहीं रोया, तो भाई कोई नहीं, मुझे ये समझ ही नहीं आया कभी प्यार ही व्यार के लपड़े। हाँ सच में पनोड़ी, मुझे भी कभी प्यार व्यार समझ में नहीं आया, आई एम जस्ट यूज एंड थ्रो, मैं प्यार को जस्ट लाइक टिश्यू पेपर समझती हूँ, टिश्यू पेपर ना पूछो लाइक जस्ट। अरे यहाँ पे बिच्छू की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, जो हो चुका है उसकी बात हो रही है, तो वो सारी बीचे यहाँ पे बीच में मत घसीटो भाई। देखो कौन किसके लिए रोया है, आई नो वेरी वेल, ठीक है? एंड एवरीबॉडी हैव अ हार्ट, एवरीबॉडी हैव अ हार्ट। स्नेजी को मैं फोन कर रही हूँ, नहीं आ रही है, तो मैंने फाइनली अनमोल को उठा लिया, एक बार और स्नेजी को लास्ट कॉल कर रही हूँ मैं। अरे नहीं भाई मुझे उसको देख, मेरा बर्थडे है, तूने टॉपिक निकाला मैं बैठी हूं ना, फिर तुझे पता नहीं मुझे मुझे आई जस्ट भाई, तो मैं सरपंच अभी यहाँ पे भाई, शेरनी आई जस्ट वांट टू सॉरी टू हर,
मैंने मेरी बर्थडे है, मैंने तेरी जो ख्वाहिश थी मैंने पूरी कर दी, उसने भी मुझे बहुत बार बोला था राइट के भाई, मैंने बोला भाई सोके भाई, सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, एंड मेरी बर्थडे आज अगर मेरे okay, जी आप मत उठाओ फोन, मैंने आपको दो बार फोन किया आपने फोन नहीं उठाया, लाइव पर भी नहीं आ रहे हो और वो बंदा सॉरी भी बोल रहा है, देन अब आप ये मत बोलना कि हाँ भाई मैं सही हूँ, वो सॉरी भी बोल रहा है, तो एक बार लाइव पर तो आना बनता है ना, मैं जब तू मुझसे इतनी बातें शेयर करती है एक बार मेरे कहने से लाइव तो आ, फिर तो तू मेरी भी बेइज्जती करिए फिर यहाँ पे है, तेरा बनता है ना फर्ज मेरे लाइव पे आने का, तो मेरी पनोड़ी का दिल है, पनोड़ी का दिल है, एक बार आ जाओ यार। अरे नहीं नहीं अरे शेयर नहीं, इट्स ओके भाई, देखो मैं स्नेजी को इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ कि उसके लिए जो लाइव चलाई ये वो मेरा गुस्सा था वो टाइम का जो था वो था, ठीक है उस टाइम का जो था वो था, अब मेरे दिल में ना तो कोई गुस्सा है ना तो कुछ भी है, तो भाई उस बात को लेके अगर स्नेजी इफ आई हर्ट यू भाई मैं ये फोर्थ टाइम सॉरी बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं पनोड़ी, पनोड़ी बोल दे बात खत्म हो जाती है वहीं पे, बर्थडे एक बार आके विश कर लो, करना है तो भाई। अरे नहीं वो आई थी, अरे नहीं 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 मेरी लाइफ पे आई थी वो, उसने मेरी लाइफ पे आके मुझे विश किया, उसने मेरी लाइफ पे आके विश किया, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं तो आज भी यही चाहता हूँ कि स्नेही जहाँ पे भी रहे जिसके भी साथ रहे भाई खुश रहे आबाद रहे, ठीक है मुझे एक शेरनी ने बोला कि भाई यू हर्ट समवन रियली बैडली, तो मुझे लगा कि भाई मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तो वो बात को टाइम हो गया राइट, सो आई एम सॉरी भाई, ठीक है। अब यार बहन चो दिल में इतनी दुश्मनी दुश्मनी लेके कहाँ जाना, कहाँ है भाई कहाँ जाना है, ठीक है जो हो गया वो हो गया, बात खत्म। सही बात है, नीचे तो दिख नहीं रही है ये, नहीं है मैंने सर्च कर लिया वो है नहीं लाइव पे, वो मुझे पता है फेक आईडी से देख रही, कोई बात नहीं सिनेजी, आज तूने मेरे कहने पर लाइव पे नहीं आई ना, अब दोबारा तुम मुझसे ये मत बोलना कि शेर ने ये वो, नहीं आज उसका बर्थडे था उससे तुझे मैंने चार बार सॉरी बुलवा लिया, देख मेरे से ज्यादा बुरा तेरे साथ किया इसने पनोड़ी ने, बता मेरे साथ कितना बुरा किया इसने, फिर भी मेरा दिल क्या होता है माफ करना, छोड़ यार बंदे ने गुस्से में बोल दिया यार नशे में बोल दिया, माफ मेरी आदत है माफ करना लोगों को, माफ करना, मैंने सुमित नारंग को भी माफ कर दिया है कल के डेट में, ठीक है उसने क्या बोला, मैंने राहुल को भी माफ कर दिया, मैं सबको माफ कर देती हूँ, ठीक है रियलाइज होता है किसी को मैं माफ कर देती हूँ, ठीक है ये दो दिन की जिंदगी है भैया, कल को अगर मैं मर गई ना या तुम में से कोई एक बंदा मर गया तो हम सिर्फ तुम्हें याद करते रह जाएंगे कि हमारे साथ लाइफ में बैठता था यार अच्छा नहीं हुआ उसके साथ, तो भैया जब तक जिंदा हो प्यार से रह लो, प्यार से मिल लो जुल लो बात कर लो, यही है जिंदगी, घर में तीन मर्डर देख चुकी हूँ मैं, मुझे पता है मरना दो मिनट का काम है पर जिंदा रहना आसान नहीं होता है लोगों के साथ दुश्मनी लेकर, ठीक है तो इसलिए एंजॉय करो लाइफ को, मौज मस्ती करो जैसे मैं करती हूँ, जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे पर जब तक जिंदा हूँ लोगों की गांड फाड़ती रहूंगी और जिंदा ऐसे ही एंजॉय करती रहूंगी बस। गोल्डी जी कितना सीरियस होकर सुन रहे सोच रहे कल कल ऐसे ही रहेगी शेरनी की कल कुछ चेंजेस आएगा, मुझे मुझे इसकी स्पीच पसंद है जब ये बोलती है मैं सुनता हूँ, हाँ इतना सीरियस हो गया आज पनोड़ी बहुत क्यूट लग रहा है, अरे ये मोटे ने फोन दिया ना, ये मोटे ने और पटेल ने 1.5 लाख का इसीलिए इतना स्मार्ट लग रहा है, सुना पनोड़ी मेरा बर्थडे जुलाई में था, हमें तो किसी ने एक ना गुलाब का फूल भी नहीं दिया पता है तुझे, मेरा भाई कुत्ते ने तो एक केक भी नहीं काटा था, पूछो बाजू में बैठे जुलाई में, अरे वो टाइम पे तो तुम्हारा झगड़ा था ना यार, नहीं नहीं उसने विश किया था, चल आज तेरे नाम से केक काट दूंगा आज इधर बता और बता, चल अभी पनोड़ी भाई की काटूंगा तब, तो मुंबई भी आना पड़ेगा अपनी बहन के लिए, भाई मुंबई तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, आऊंगा तो पनोड़ी भाई कोल्डी भाई के साथ ही आऊंगा, मार नहीं करूंगा, खाएंगे तो तीनों साथ में, नेट घूम गए यहाँ पे नेटवर्क, अरे आपका बिलिंग बिलिंग करा, एक मिनट जैनिस को कैमरा दियो पनोड़ी, जैनिस को कैमरा दियो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैनिस को कैमरा दियो, जैनिस को कैमरा देना उधर दारू बाद में पियो, अरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है यार, अरे जैनिस की तरफ कैमरा कर मुझे उससे कुछ कहना है, मुझे तो हाँ जैनिस मेरी बात सुन, आज ना तू जॉर्जिया से यहाँ आया है अमेरिका और जॉर्जिया मुझे पता है 3 महीने रह के आ चुकी हूँ जॉर्जिया में, मेरी बहन थी 2 साल के लिए जॉर्जिया में, ठीक है जॉर्जिया मुझे पता है क्या जगह है वो, ठीक है ये वो तो अब नहीं अब है, मैं तुझे ये वो जॉर्जिया नहीं है, ये अटलांटा यूएसए जॉर्जिया है, तो क्या बात कर, हाँ यूएस अमेरिका के पास है वो जॉर्जिया, उसी की बात कर रही हूँ मैं, उसी की बात कर रही हूँ जॉर्जिया,
और मैं अपने बहन अरे गोल्डी भाई बोलने दो उसको यार, तुम कहाँ डिस्टर्ब कर भाई, गोल्डी भाई बोलने दो उसको यार, चेड़नी को आज मेरी बर्थडे की लाइव चलाई है यार। मैं तुझे ये बोल रही हूँ कि तूने किसी जमाने में अनमोल को अपनी बहन बोला था, ठीक है? आज ना, आज पनोड़ी का बर्थडे और तू जॉर्जिया से अमेरिका आया है, ठीक है? तो आज तू ना अपने पनोड़ी भैया जिसके लिए तू इतनी दूर आया, आज उसके बर्थडे में एक कसम खा, अब तू अनमोल के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। चल बोल। अरे इसका मन नहीं कर रहा बोलने का, बोलेगा। अरे तो बोल ना, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा बोल। अरे रुक जाओ, हम लोग ऑन द वे है, थोड़ा नेटवर्क कट हो रहा है। देखा देखा ये बोलेगा, इसका पेट का खाना हजम ही नहीं होगा मेरे बिना बोले। जानिस तो बोलना यार, एक इतना तो बनता है यार, सी इज इतनी क्यूट बहन तेरे पास है। मैं अनमोल को दिल से बहन मानी थी, अनमोल पे ऊपर मेरे को नफरत उसी लिए आई थी कि अनमोल की वजह से मैंने दो तीन जगह पे दुश्मनी ली थी, मेरे को बिना पूछे मेरे को बिना बोले वो बंदे को अनमोल ने बिठा दिया था उसकी लाइव पे, उसी लिए मेरे को गुस्सा आया था और मेरी दुश्मनी हुई थी। मैं सामने से बात बोलता हूँ अनमोल, थोड़ा बहुत तू भी ध्यान रख, जब तेरे दोस्त यार के जो दुश्मन, लेकिन किसके बंदे की बात कर रहा है ये भाई? टीके से मैंने अनमोल का मेरा दुश्मनी ली, मेरे को बिना बोले बिना बताया और टीके को बिठा दिया, मेरे को गाली खिला दिया। सन्नी ने बोला था, सन्नी ने बोला था बात करनी है, सन्नी बोला। मैंने ही लोग का पैसा, नहीं मेरे को नहीं बोला था। गांडे भाई पुरानी बात है, चल जाने दे, जो भी पुरानी बात है जाने दे। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आएगा क्या? बैंक के वालों ने ना अरे वो लोग ड्राइव कर रहे हैं ना इसलिए। अरे रुक जाओ यहाँ, अंदर जाके वाईफाई फाई है भाई, मुझे तो एयरपोर्ट से उतर के कुंडू हाउस जाना है, देख लेना दोनों। आपको आपको भाई अनमोल के हाउस जाना है या कुंडू हाउस जाना है भाई? गोल्डी भाई भाई आप जिधर भी होके जाओगे पर वाया दुबई लेना, वन स्टॉप वाया दुबई लेना भाई। तुम लोग इंडिया कभी नहीं आओगे? नहीं सुन, अभी चार दिन पहले कोई भाई अगर आया भाई, अगर गोल्डी, अरे गोल्डी भाई अगर कुंडू लाइव में भी देखा, अगर गोल्डी भाई कुंडू लिखा है नेम प्लेट में, कुंडू पनोरी 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 कुछ बोल रहा है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर गोल्डी भाई कुंडू हाउस जाने की मुझे बोलेंगे ना, तो फ्लाइट सीधी कुंडू हाउस पे ही रुकेगी, उसके अलावा कोई जगह पे नहीं रुकेगी भाई। ये शेरनी से मेरी जितनी मेरी भी दुश्मनी हो चाहे जो भी हो, लेकिन आज तक शेरनी को जब भी मैंने व्हाट्सएप पे कॉल किया भाई, बंदी ने अच्छे से बात की, होता है ना बहन जो कुछ वो मेरी तारीफ कर रहा है इसकी नेट मेरी तारीफ कोई करे तो नेट खराब हो जाता है, मेरी जब बुराई करे तो नेट परफेक्ट होता है। देखो मेरी किस्मत, देखो गाइस मेरी किस्मत, फक माय लक यू नो, फक माय लक। अरे वो घर पे अभी जा रहा है, उधर कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई। तो गोल्डी जी आप ही अगर कुंडू हाउस आएंगे तो ऐसे नीचे से चिल्लाएंगे शेरनी निकल बाहर आरएनडी भाई, मैं तो रात के 12 बजे के बाद आऊंगा कि कोई देखे ना, और सुबह सुबह होने से पहले निकल जाऊंगा। अगर ज्यादा नहीं आउट होता है ये ऐसे अगर कभी मैं आ गई तुम्हारे उधर है ना, और मैं ही ऐसे चिल्लाऊं और तुम आके ऐसा क्या क्या रहे, ऐसा कभी सरप्राइज हुआ तो क्या करोगी शेरनी? मेरे लिए, तेरे लिए, तेरे पे इतना है, तेरे पे देसी क्वीन सिमी, मैं ज्यादा बड़ी बोल नहीं बोलती, ये एक ऐसी औरत है जो मेरे कभी घर के नीचे नहीं आएंगी चाहे मैं कितनी गाली दे दूं।
दोस्त बहुत कम होते हैं यहाँ पे। अब ये इसने, तू गोल्डी यकीन नहीं मानेगा, ये कंट्रोवर्सी में इसने मुझे कई बार बोला शेर ने मुझे ऐड कर, और मुझे पता जिस दिन इसको ऐड करूंगी ना, इससे गंदा बोलने वाला पूरा इंस्टाग्राम में कोई नहीं है, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला अनमोल बता, मैंने क्या बोला तेरे को, मेरी लड़ाई है तू बीच में नहीं आएगी, यही बोला ना मैं उससे भी यही बोली थी। हाँ, तुम्हारा क्या है, मुझे बीच में नहीं आना है। हाँ, मैंने बोला तू बीच में नहीं आएगी, मुझे पता ही नहीं, बीच में से हटा दिया मुझे, हकीकत तो ये मुझे पता ही नहीं है, तो मैं उसको बुरा वाला क्यों बोलू मैं। हाँ, तो मैंने भी अच्छे से बात करती है, लेना ही नहीं है, लेना नहीं, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। आती है मेरे पैर पे नीचे बैठी रहती है, आती नहीं है काम, ये कॉल पे नहीं आती है, आएगी हाय हेलो करके निकल, मेरे को बोलना नहीं है, क्या पता तुम दोनों का एक दिन बातचीत हो जाए, उस खिड़की में मैं भी बैठी हूँ, तो भाई मेरा ये हो जाएगा ना इंसान, ये मैं ये सब नहीं करती। इसीलिए मैं कहती हूँ जब दो दोस्तों में या दो लोगों में लड़ाई हो ना, तो तीसरा बंदा ना यहाँ यूज हो, ये सबसे बड़ी समझदारी होती है लोगों की। आपस में लड़ने दो उनको, आपस में सुलझने दो उनको, तीसरे को ऐड मत करो। ये मैंने सीखा इंस्टाग्राम में, मैंने बहुत लोगों के बीच में पढ़ के लड़ाई करी और मैं दुश्मन बन गया, आज वो लोग दोस्त बन गए और मैं बुरी बन गई। और ये बात ये पहलवान जी ने मुझे सिखाई थी बहुत पहले, कि जब किसी की लड़ाई होती तो बीच में मत पड़ा कर शेरनी, उनको लड़ने दे। पर मेरे बहुत देर समझ में आई ये बात। आज ये गोल्डी और मेरे बीच में क्या बातचीत है मुझे बताने की जरूरत नहीं किसी को, मेरी इतनी लड़ाई हो रही है। गोल्डी आया कहीं मैटर में बीच में, आया कहीं गोल्डी मैटर में बीच में, नहीं आया ना, मैं कभी नसीब के लिए नहीं, तू मेरे मैटर में आ, नहीं आ, आ नहीं लेके आई ना मैं इसको, या मैंने इसको फोन किया कि गोल्डी मेरी लाइफ पे आ, बकवास कर वो अमेरिका की, उसको हाँ, तो बस, तो फिर वो वाली बात होती है, खुद के दम पे लड़ो, खुद के नोक्स, खुद के दम पे लड़ तू मुझसे, आप खुद के दम पे लड़ मुझसे तू, आप लोगों को हायर मत कर, खुद के दम पे लड़ो जैसे शेरी लड़ती है आप। चल ठीक है, ओके चलो। देखो सुमित के नाम से आके आके गालियां लिख रहे हैं मुझे, यार मैं इतने अच्छे से बैठी तुमको हजम नहीं हो रहा है क्या? हाँ, सुमित नारायण ऑफिशियल, सुमित नारायण ऑफिशियल, भाई एक काम कर तू। अरे ये फेक आईडी बना के बैठे होंगे, ब्लॉक कर दो क्या पता। नहीं आए थे ना उस दिन, मेरे से तो अच्छे से बात की है, मैं देना ही नहीं चाहती किसी को, मेरा सर घूमता तभी देती हूँ मैं। तू आज कहाँ है, घर पे है क्या? घर पे ही तो हूँ, ये क्या है? अच्छा, पनोड़ी आएगी नीचे, लोग लिख रहे, रुक मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, है नीचे? ना ना है नहीं, वो ऐसे लिखते हैं, वो अपना एंजॉय करने दे, उसका आज बर्थडे पार्टी है उसकी, एंजॉय करने दे। और स्नेह जिससे तो मैं कल बात करूंगी, वो फोन नहीं उठा रही है मेरा, उसकी बढ़िया क्लास लूंगी कल मैं, उसने मेरी बात नहीं मानी, लाइव पे नहीं आया। आप देख सुनै जी, अगर तू फेक आईडी से देख रही है ना, तो मैं उनका, मेरी बेइज्जती करी है, उनका भी कुछ होगा जाने। चलो भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, सारी बातें, बट मैं, मेरे को किसी ने बोला था कि शेरनी तूने लाइव नहीं ऑन करी, लाइव पे नहीं आई पनोड़ी की, तो भाई मैंने लाइव ऑन कर ली, इतने लोग भी जुड़ गए और हमने उसको बर्थडे भी विश कर लिया। और पनोड़ी जी तू हजारों साल जिए, 100 साल तक जिए, ठीक है, बट बकचोदी कम कर बस, मतलब इंजॉय करा सबको, सब कुछ कर, बस ऐसा कुछ मत कर कि किसी का दिल दुखे, कोई आत्मा से रोए, ऐसा कोई काम मत कर। और मेरा तो आत्मा उसने रुलाया था तभी मैंने उसको माफ किया, तो बाकी लोग तो कौन सी खेत की मूली हो, नोक्स तू तो कोई खेत की मूली नहीं है। तो एक बार बोल दे कि मैंने बिल्ली को मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी, बोल मेरे को कॉल में सॉरी, बोल दे मैं तेरे को नाम की लाइव नहीं चलाऊंगी बिल्कुल भी, ठीक है। बट जब मैं सुमित नारंग को माफ कर सकती हूँ, पनोड़ी को माफ कर सकती हूँ, राहुल को माफ कर सकती हूँ, और बहुत लोग हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम में मेरे साथ बहुत गलत किया, सबको माफ करके मैं उनके साथ जुड़ सकती हूँ, तो नोक्स तूने तो कुछ भी नहीं किया, बस तूने एक गलत कर दिया, तूने बिल्ली को चढ़ा कर ना ये झूठ बोलकर कि बिल्ली तेरे बच्चे के लिए ना शेरनी ने गलत बोला, ये ऑडियो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग तेरी एजी के लाइव पे तूने बोला ये बात कि बिल्ली के बच्चों को गलत बोल रही थी पनोड़ी जी, ये तो तेरे पास प्रूफ है नोक्स, तेरे पास प्रूफ है मैंने ये बोला है, ये गेम मत खेल बाहर बैठ के मेरी जान, मत खेल ये गेम, ठीक है। मेरे को जिस दिन पहचानोगे ना उस दिन कभी दोस्ती तोड़ोगे नहीं मेरे से, और जिस दिन नहीं पहचानोगे तो करो दुश्मनी कितनी करनी है, मरने से नहीं डरती है शेरनी, आई बात समझ में? तुम तो औरतें हो मेरी जैसी, और मैंने तुम जैसी औरतों को बहुत क्लास दे रखी है कि हिम्मत रखो, लड़ो, डट के रहो, लोगों का सामना करो। मैंने तो मर्दों से फाइटिंग करी, तो तुम तो मेरी बराबर की औरत हो, अब बताओ तुमसे हार जाऊंगी मैं, तुमसे हार जाऊंगी? नोक्स बंगाली है क्या? छोड़ रहे दे, नहीं नहीं बंगाली है क्या वो पूछ रहे, वो एक्चुअली फ्रॉम नेपाल। अच्छा नेपाल से वो, हाँ। वो लाइव पे मैंने बंगाली जैसा उसकी लैंग्वेज सुनी थी,
नहीं एक्चुअली इसकी हिंदी थोड़ी वीक है ना, तो वो हर एक नेपाली की हिंदी ऐसी होती है, जैसे वो बोलते हैं ना वो नेपाल के लोग जो होते हैं ना वो उनकी हिंदी ऐसी होती है। मैंने उनकी लाइव ही नहीं देखी उस दिन, पता नहीं मेरे इसमें दिख गया तो वो तो हो गया। चलो सुबह मॉर्निंग में छोड़ रहे थे, वो सारी बात मत कर, छोड़ो ठीक है। चल मैं कल ना बहन मुझे ना अभी मुझे कहा था लाइव ऑन करने के लिए, तभी मैंने दोबारा लाइव ऑन करी उसके सिर्फ पनोड़ी के बर्थडे विश करने के लिए, ठीक ओनली जस्ट बर्थडे के लिए ठीक है। अब मैं अरे थोड़ा सा शेयर नहीं उसको ये कर दो, रोज बोलता है मुझे हाय दीपा। किसको? तो डीएम में बताती हूँ मैं करती। हाँ तो डीएम में बात कर ले, अभी मैं लाइव बंद कर रही हूँ और 3 बज गए, मैं भी सो रही हूँ, सुबह मुझे उठना है टाइम से ठीक है। और तू भी सो जा, तेरी मर्जी है, तुझे लाइव चलानी चला ले। नहीं और... सो जाती तो वो दवाई नहीं ले पाती हूँ यार, दोपहर को उठती हूँ मैं तो अभी थोड़ा कवर है, हो रहा है दवाई लेने से तो दवाई अच्छी बात सोती हूँ मैं। गुड ये हो जाता है गुड। मलाइका अपना लाइव ऑन करो। हाँ तू लाइव ऑन कर, अपने फैन से बात कर, कल मिलते हैं। अरे कौन है फैन मेरा, पकाओ फैन। लिपस्टिक अच्छी लग रही है तेरी, आज मैंने ऐसे लगाया था, अच्छी लग रही है, मैंने ऐसे अलग ही चमक रही है, अलग ही चमक। ये कलर मैं तब लगाती हूँ जब मैं पार्टी में जाती हूँ, चाहे क्लबिंग हो कहीं पार्टीज हो तब लगाती हूँ मैं, ये बहुत हाईलाइट होता है कलर ना। ये रेड है, आई नो ये रेड है, बट इस कलर में ही ये रेड नहीं है, ये रेड नहीं चॉकलेटी कलर है ये। नहीं मैं पिंक में लगाती हूँ, बहुत डार्क पिंक लगाती हूँ, फूसिया पिंक जिसको बोलते हैं, आई लव फूसिया पिंक, बहुत अलग से होंठ चमकते हैं फिर वहाँ पे। नहीं ये चमकने वाला नहीं है, ये देखो ना ये चिपकेगा, मैट है इसको, मैट मैट लिप कलर बोलते हैं, मैट मैट। नहीं ये कलर बार का पेंसिल है। आई सुन इसको, सुन ये जितना थूक लगा लो, खाना खा लो, पानी मुंह भी धो लो ना, जब तक आप इसे किसी चीज से। नहीं ये कलर बार का पेंसिल है, 1200 का आता है, 1200-1300 का एक पेंसिल आता है वो। आई नो बनाओ हाँ डार्क हो जाता है। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना कि ये कलर ऐसा फिक्स हो जाता है कि आप कुछ भी खाओ पियो, और कई तो ऐसे लिपस्टिक होते हैं लिप किस भी करोगे तब भी हटेगा नहीं लिप्स से, अब बताओ। ऐसे तो कभी नहीं किया। मैं वैसे बता रही हूँ, नीचे हंस रहे लोग, मैं बता रही हूँ कि लिप किस करोगे तब भी नहीं हटेगा, वैसे भी लिपस्टिक आने लग गया आजकल। क्वीन खान कौन है? तूने आज मेरे लाइव शेयर किया था, मैंने देखा वो चीज जो तू बता रही थी, पर वो तो दूसरी आईडी से थी, वो तो मैंने देखा फिर बाद में क्या जब दिन में वो जिसके साथ तू लाइव पे थी। अरे कुछ लोगों ने वो दूसरी आईडी पे ना उसने मलाइका खान डाल दिया होगा तो मेरी वो आईडी जा गई, ग्रुप कॉल आया, ग्रुप कॉल में बहुत सारे लोग कुछ वो लोग बोल रहे हैं, वो किसी और का मैटर था तो बहुत सारी बातें। मैं बोली यार देखो तुम लोगों को सॉल्व करना है तुम लोग करो, तो वैसे भी वहाँ के लोग तो बड़े स्ट्रांग है ना। अनमोल जी आप मुंबई में कहाँ रहते हो? मैं मुंबई थाने रहती हूँ। ऐसे मत बोला कर, तू बोला कर मैं अमेरिका रहती हूँ, ऐसे बोला कर। भाई मेरा पासपोर्ट में ना एक छप्पा भी नहीं लगा, तू झूठ बोलो। नहीं तू ऐसे ऐसे भी नहीं, अमेरिका भी नहीं, तू बोला कर मैं अमेरिका बोलते ना, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ, यूके माई फ्यूचर। तू ये बोला कर मैं पेरिस, आई एम फ्रॉम पेरिस, ऐसे बोला कर, आई एम फ्रॉम पेरिस। किसने बोला मैं मुंबई में रहती हूँ? मैं पेरिस में रहती हूँ, ऐसे बोला कर। तुझे पता है? हाँ भाई, किसने बोला मैं मुंबई में रहती हूँ? मैं पेरिस में रहती हूँ। यस पेरिस बोल, और 1000 बार दिन में लाइव में बोल ये बात को, ये बात है ना यूनिवर्सल। मैं एक चीज बताती हूँ तुम लोगों को गाइस, कि अगर आपके मुंह में ना अगर 100, 200, 1000, 500 बार मुंह में एक वर्ड निकले तो वो कहते हैं ना भोलेनाथ, कहीं ना कहीं उसको कैच करते हैं। जैसे कि दिन में कम से कम 1000 बार, 1000 नहीं कहूंगी ज्यादा बोल दिया मैंने, 500 से 600 बार मेरे मुंह पे ना ओम नमः शिवाय रहता है, चाहे मैं किसी भी मूड पे हूँ, कैसे भी माहौल पे हूँ, मैं उनका नाम 24 घंटे मेरे मुंह पे रहता है ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, तो ऐसे ही आप बोला करो ठीक है। आई एम फ्रॉम अमेरिका, आई एम फ्रॉम यूएसए, आई एम फ्रॉम यूएसए अमेरिका, आई एम फ्रॉम कैनेडा, आई एम फ्रॉम यूके, आई एम फ्रॉम यू नो पेरिस, पेरिस माय फेवरेट कंट्री, पेरिस मेरी फेवरेट कंट्री है, और शी इज वेरी रोमांटिक कंट्री है, और पेरिस में मैं जाना चाहूंगी अपने विद डॉन के साथ और रोमांटिक सीन करना चाहूंगी। बेटा ब्लॉक मार दूंगी बहन का लौड़ा, ब्लॉक मार दूंगी, फिर आ नहीं सकता, समझ रहा है ना?
अब जितने यहाँ भड़वे नीचे बैठे होंगे ना, वो मेरी आज लाइव शेयर कर दे टुकड़ों में कि आज मैंने देसी को इनके लिए क्या बोला है क्या कर, ठीक है? ये टुकड़ों में लाइव शेयर कर देना, नहीं किया ना तुम्हारी ऐसे बजाऊंगी तेरी माँ के भोसड़े में करती हूँ, आएगा क्या, आएगा क्या भोसड़ी वाला, तेरी माँ के भोसड़े में करती हूँ, आजा वापस घुस जा तेरी माँ की छूत में, अभी कर सवाल तुझे ब्लॉक मारूंगी, फिर आके दिखाना तू लाइव पे। इस रुको ये आईडी को कैंसिल, अभी क्या बोलूं मैं, मेरी लाइव इसका नेट घूम गया, ले लो आप, मैडम गए नेट घूम गया। गाइस मैं अभी गाली नहीं दे सकती किसी को भी, मुझे बहुत ही टाइटली यू नो जिसे कहते हैं ना प्लास से ना पेचकस नहीं का टाइट करते उससे क्या बोलते हैं, प्लास नहीं बोलते, प्लास बोलते क्या बोलते हैं, हाँ उसे मेरा नट टाइट किया गया है। तू गाली नहीं देगी लाइव पे, बिना गाली दिए सब की बढ़िया ले, ठीक है? तो मैं गाली नहीं दे सकती, नहीं तो आपको पता है गाली में मैंने PhD कर रखी है। इंस्टाग्राम में कोई मर्द हो चाहे औरत हो मुझसे गाली में आगे नहीं जीत सकता कोई भी, बट मैं मजबूर हूँ अभी, मैं गाली नहीं दे सकती। मुझे ना प्लास के साथ ना मेरे नट नट जो नहीं होते, मेरे जो ढीले हो रखे थे नट, नट जो बोलते हैं नट बोल्ट क्या जो भी बोलते हैं, नट ऐसा कस दिया गया है यू नो, और बोला कि तू लाइव में गाली नहीं देगी। और आज दूसरा दिन है मैंने लाइव में गाली नहीं दी है, और ऐसी लाइव चलाऊंगी मैं, अब हमेशा गाली नहीं दूंगी मैं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास इतने मैटर इतने चैप्टर है कि बिना गाली दिए बिना हम लोगों की ना बढ़िया उतार सकते हैं, इतने चैप्टर है गाली देने की जरूरत ही क्या है। और जिन्होंने हमें ये सारे जो जो सॉरी वो नहीं बोलना है मुझे, हाँ सॉरी, अच्छा नहीं मैं फिर फ्लो फ्लो में ज्यादा बोल जाती हूँ। चलो ठीक है गाइस गुड नाइट, मैं आप सॉरी मुझे नहीं आ रही है। फिर से एक बार बनोड़ी तेरे लिए लाइव चलाई थी, और ये तुझे भी पता है तेरे कहने पे ही चलाई थी, ठीक है? और हैप्पी बर्थडे, और तुझी 1000, 2000, 3000 साल बट बकचोदी कम कर, किसी का माँ का दिल मत दुखा, बस अदरवाइज यू आर राइट, यू आर गुड मैन, बस किसी माँ का दिल मत दुखा यू आगे से। ये बर्थडे के बाद इसको बहुत आशीर्वाद दिया मैंने, देखते हैं अभी क्या इस पर असर पड़ता है, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइज, नींद आ रही है मुझे भी।